आज हमारे यहाँ पे अल्ता स्टेट में हम लोगों ने एक ऑक्सीजन और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर इस सब के लिए एक जो है यहाँ पे एक जगह बनाया, हम लोगों ने एक पॉइंट बनाया, ऑक्सीजन पॉइंट। और यहाँ पे एक्चुअली हम लोगों ने इसीलिए इस पॉइंट का स्थापना किया, चूँकि पश्चिमी हम लोग अपने वहाँ बरबट्टा कठमंडा पंचायत से कवर कर लेते हैं, और दूसरा जो पॉइंट हमारा है किशनगंज में, वो वहाँ से उधर के 6 पंचायतों में प्लस नियरेस्ट और इस सब जगह में जो वो हमारा मेकअप हो जाता है। लेकिन हमारा जो बीच का जो जगह था, मेरा जो बीच का ये पॉइंट था, यहाँ से आदमी को कैरी करने के लिए चाहे तो बरबट्टा जाना पड़ता था, वरने तो फिर आपको किशन जाना पड़ता था। एट ए टाइम अब आदमी को सख्त ज़रूरत है, तो हम लोगों ने सोचा, हमारे हम लोगों में बात बनी कि नहीं, हम लोग जो है एक बीच में भी एक पॉइंट को हम लोग दें, जिससे हमारा विधानसभा में 30 पंचायत है, 3 जगह देने से ये सब जगह से कवर कर जाएगा। चूँकि ये सारा चीज़ बहुत फास्ट आदमी को काम करता है, फास्ट ज़रूरत है उसको, तो वो जल्द से आए और अपना इस सेवा को वो लेकर के जा सकते हैं। अभी इस नए पॉइंट पे अल्ता के हमारे रोमिन भाई हैं, इनका फार्म हाउस पे हम लोगों ने इसको क्रिएट किया है। इस पॉइंट पे आपको हर समय ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स और जहाँ पर भी ज़रूरत पड़े सैनिटाइजर्स, मास्क, ग्लोव्स, रेगुलेटर और वो टेम्परेचर मीटर, ऑक्सीमीटर, उसके बाद जो है पीपी किट्स, ये सारा चीज़ यहाँ पे एक स्टोर टाइप का रहेगा। ये इससे हमारे इलाके के जिन लोगों को भी, हमारे पूर्वी क्षेत्र के जितने सारे पंचायत हैं, इन सभी पंचायतों को इसकी सुविधा देना है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हमको, अगर पेशेंट कहीं पर भी है तो हम लोग इसको कहीं पर भी मूव कर सकते हैं। आज मान के चले कि यहाँ पे स्टॉक है, अगर इसको अगर थोड़ा सा अगर पश्चिमी भी लेके जाने की जरूरत पड़ेगी तो लोग फिर यहाँ से भी कैरी कर सकते हैं। हो सकता है यहाँ पे स्टॉक जिस समय नहीं रहे तो कहीं बरबट्टा में अगर स्टॉक है तो वहाँ से उठा लेगा, किशनगंज स्टॉक है तो वहाँ से भी उठा लेगा। लेकिन जब ये हमारा चारों तरफ में फैला रहेगा तो इससे हमारे यहाँ के लोगों को सुविधा मिलेगी, हमारे यहाँ के लोगों को आसानी होगा। और मैं दुआ करता हूँ ऊपर वाले से कि लोगों को इसकी ज़रूरत ना पड़े। लेकिन हालात और इस महामारी को देखते हुए हम लोगों ने इसका इंतज़ाम किया है। मैं जो इसका इंतज़ाम कराया हूँ, ये आप लोगों को एक आप लोगों के जहन में आप लोगों को बात बता देना चाहता हूँ कि ये ना ही कोई सरकारी फंड है, ना ही कुछ MLA के फंड से है। इस फंड की पूरी भरपाई और ये पूरा फंड ये हम अपने निजी से आम लोगों के लिए कर रहे हैं, जिससे लोगों को एक सुविधा मिल सके, एक मदद मिल सके। और आप लोग को भी कहूँगा मैं कि आप लोग भी जो है अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों को मदद कीजिए। जितने लोग यहाँ पर हम लोग आए हैं, आप लोग भी, जितने लोग और दिगर के रहेंगे, सब लोगों को ये चीज़ बताना है, क्योंकि हम लोग कभी भी किसी परेशानी में रहेंगे तो उसका जो है निदान यहाँ से हो सकता है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इंशाल्लाह अगर हो सके तो और भी हम लोग आगे कुछ पॉइंट्स जो है उत्तरी बेल्ट में भी हम लोग बढ़ा सकते हैं, जैसे जनता कन्यावारी वगैरह साइड में है, उधर भी एक पॉइंट देने के बारे में अभी बात चल रही है। तो इस तरह से अभी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर 12 लीटर का है ये, और 2 जंबो दिए हैं और 2 छोटा सिलेंडर है, ये 4 तो यहाँ पे अवेलेबल रहेगा ही। पीपी किट्स वगैरह, सैनिटाइजर्स वगैरह है ये है, और इंशाल्लाह किसी भी चीज़ की यहाँ पे कमी नहीं रहेगा। जब भी यहाँ से कुछ खाली होगा तो यहाँ पे फिर ला करके उसको जो है भर दिया जाएगा। तो आप सब लोग, तमाम लोग जो है कोऑपरेट करेंगे अपने भी इलाके में जितने सारे बीमारी हैं। और सबसे बड़ी बात एक चीज़ और है, हमारे समाज में अभी एक चीज़ को देखा जा रहा है, जैसे कोई हमारे भाई, माँ, बहन, बाप कोई भी इंतकाल करता है, हम लोग एक हाइपोक्रेट पैदा कर देते हैं। हम लोग एक जो है ना, ये एक ये नया ये पैदा कर दिए, हम लोग को ये नहीं करना है कि यहाँ से वो आएंगे, वो आकर के दफनाएंगे, वो मिट्टी मिजिल करेंगे, नहीं, वो हमारे अपने हैं, वो लावारिस लाश नहीं है कि उसको कोई आकर के उसको दफनाएगा, उसको दफनाना हमें है। हाँ, उसकी जो है एहतियात करना, उसको उस एहतियात के लिए हम लोग के पास में सामान अवेलेबल है, हम सिर्फ उस सामान पे निर्भर रहे हैं। और हम लोग जो है उसको अपने जिस तरह से करते थे, आप वो आदमी बीमार पड़ता है उसका देखरेख हम लोग शुरू से करते हैं। जिस समय हमको संक्रमण का खतरा रहता है उस समय तो हम उससे दूरी नहीं बनाते हैं,
मरने के बाद ऐसा दूरी बना लेते हैं हम लोग कि जैसे कि ये लाश किसका है, नहीं है, पराया है कि क्या है, और ये एक हाइपोक्रेट किया भी जा रहा है। एक चीज ध्यान में रखिएगा, हम लोग को इस हाइपोक्रेट से बिल्कुल एकदम ये करना है। आखिर उसको कोई मशीन आकर के नहीं नहलाता है, उसको कोई मशीन आकर के नहीं दफनाता है, उसको आखिर कोई इंसान आकर के दफनाता है। इन इन्हीं चीजों, इन्हीं सामग्री के साथ में उसको जो अपने से पहन करके उसको दफनाता है, उसको तो कुछ नहीं हो रहा है, इससे बात नहीं है। हमारे जहन को गंदा किया जा रहा है, हमारे समाज में बहुत लोग जो हैं कुछ कुछ दिखा करके अपने आप को बहुत ज़्यादा हाइपोक्रेट करना चाहते हैं। मैं फिर से आप लोग को निवेदन करता हूँ, आप सिर्फ सामान की व्यवस्था लें, आदमी मैं फिर भी बोलूँगा कि आदमी आप लोग कहीं से नहीं, आप जैसे पहले नहलाते थे, जैसे पहले दफनाते थे, उसी तरह से उनको दफना है। और चूँकि वो आपके अपने हैं, एक ये जो है जमीयत, हमारे जमीयत की तरफ से भी एक सुविधा दी गई है, लेकिन एक चीज़ थोड़ा सा गौर कीजिए कि ये सुविधा किन के लिए है। एक लावारिस लाश है, हम उसके लिए सुविधा है, ना कि अब अच्छे अच्छे, मैं देखने लगा अभी कुछ दिन से, चूँकि अच्छे अच्छे परिवारों में जिनका सारा लोग है, वो चाहेंगे तो चीज़ कर सकते हैं, वो लोग भी दूर भागने लग जाते हैं। तो फिर से मैं आप लोगों को निवेदन करूँगा, आप सिर्फ सामान का इस्तेमाल करें, पीपी किट्स ले लें, ग्लव्स ले लें, और मास्क वगैरह पहन करके जो है उसको अपने से कर सकते हैं। उसको कोई मशीन से नहीं आता है, बाहर से कोई आदमी आता है तो वो कोई मशीन नहीं है, वो भी इंसान है, और ये हमारे अपने हैं। अपने लाश को, अपने जो है बॉडी को, उसको हम लोग को प्राय नहीं बनाना है। हम लोग जिस तरह से करते थे, हम लोग को उस तरह से करना है, थोड़ा सा एहतियात के साथ, होशियारी के साथ करना है। तो आज आपके उनके बीच में ये सामान का जो है, इन सारे सामान के साथ में हम यहाँ पे एक आपका जो ऑक्सीजन का सामान वगैरह रखने के लिए यहाँ पे ये जगह है, ये जगह हमको अच्छा लगा, चूँकि यहाँ से हमारा जो है इधर दक्षिणी बेल्ट, उत्तरी बेल्ट और पश्चिमी और पूर्वी भी मेकअप हो सकता है। तो इन्हीं के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद।